नमस्कार, हमारे साथ ही बीएड 2011 के प्रतियोगी छात्र भी हैं और आप लोग सिलेक्टेड हैं अचयनित है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कार्यक्रम रुदौली विधानसभा में लगा हुआ था। इन्होंने अपनी वाजिब मांगों के साथ अपनी बात को लेकर के क्या बात हुई है, ये इनसे जानते हैं कि किन मुद्दों के साथ अखिलेश यादव से आप आए थे यहाँ उम्मीद लगाने। देखिए, हम लोग साथ 12-12 विज्ञापन के अभ्यर्थी हैं और भाजपा सरकार ने उसके बड़े नेताओं ने केशव प्रसाद मौर्य ने, स्मृति ईरानी और महेंद्र पांडे अर्थात भाजपा के सबसे बड़े नेताओं ने हम लोगों से वादा किया था सरकार बनने पर आप लोगों को जो है आप लोगों की भर्ती जो 7-12 विज्ञापन है 290 करोड़ का सरकारी खजाने में जमा हुआ। हम जिला अध्यक्ष बीएड चयनित बेरोजगार अयोध्या के जिलाध्यक्ष अरुण यादव बोल रहे हैं। तो बीजेपी के नेताओं ने हमसे वादा किया था कि सरकार बनने पर आप लोगों की भर्ती की जाएगी, लेकिन योगी बाबा ने हम लोगों की भर्ती नहीं की, हम लोगों के साथ धोखा किया। तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुनील यादव जी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से मिले और इसको बीएड 2011 को अखिलेश यादव जी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा और हर मंच से सफ़ेद टोपी और बीएड 2011 को जब जहाँ भी जाते हैं उनकी नज़रें हम लोगों को घूमती हैं और हम लोग जो है 403 विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और गठबंधन के प्रत्याशियों को समर्थन पत्र सौंप चुके हैं और यह हमारा कम से कम 1 लाख से लेकर 1.5 लाख परिवार है और 5 लाख से लेकर 8 लाख तक जो है वोटर हैं हमारे संघ में और हम सब लोग समाजवादी पार्टी का समर्थन पत्र समर्थन कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से अयोध्या जिले की 5 विधानसभाओं में जिताने का कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार लगातार 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा कर रही है, झूठों क्या कहना चाहती है? झूठों की सरकार है। केशव प्रसाद मौर्य जी ने संगठन में स्वयं आदर के उन्होंने कहा, संसद में बोला, योगी जी ने खुद कई बार मंचों से बोला कि हम आपको नौकरी दे देंगे, उन्होंने नौकरी नहीं दिया। लेकिन जैसे माननीय अखिलेश यादव जी जो को जो पता चला उसके बाद में जो घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया उसमें स्पष्ट तौर पे कहा है कि जैसे ही सरकार बनेगी पहली कैबिनेट बैठक में बीएड 2011 को हम नौकरी देंगे। इसलिए हमारे 75 जनपद में हमारे साथी ने और हमारे संगठन ने केवल एकदम स्पष्ट कर दिया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और सहयोग दे दिया है। आज यहाँ पर हम केवल जो है आभार व्यक्त करने आए थे क्योंकि घोषणा पत्र में उन्होंने हम लोगों को सम्मान दिया है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि बीएड 2011 को नौकरी देंगे, इसलिए हमारा बीएड 2011 संगठन के 75 जनपद में जितने साथी हैं सब हम लोगों ने ठाना है कि अपने साथियों को की बार सरकार बनाएंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार हमेशा लाठी चार्ज करवाई है, लाठियों से पिटवाया गया हम लोगों को, इसलिए हम लोग अब लाठी नहीं। इन्होंने लाठी की बात की है, इलाहाबाद में प्रतियोगी छात्र एनटीपीसी परीक्षा की तैयारी या भर्ती को लेकर के एक आंदोलन किए थे, उस पर तमाम प्रतियोगी छात्रों को चिन्हित करके लाठी बरसाने का काम किया गया था। लेकिन सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जहाँ लाल टोपी पर उंगली उठाती है सवालिया निशान खड़ा करती है, वहीं सफेद टोपी पर भी सवालिया निशान खड़ा कर सकती है। दादाजी अपना उठाओ, क्यों निशान खड़ा करेगी? हम लोगों की एक वाली मांग है जी। हमारा विज्ञापन 2012 का है, हम लोगों ने फॉर्म भरा है, उसका शुल्क जमा किया है, तो हम लोगों का होना चाहिए। बीजेपी सरकार ने हमारे साथ धोखा किया, उसने कहा था कि हम बिल्कुल उस भर्ती को करेंगे, लेकिन इसके बाद हम लोग यहाँ तक डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई, हम लोग गए उस कमेटी की रिपोर्ट को मांगने के लिए 4.5 साल बीत जाने के बाद, तो वहाँ जाने के बाद हम लोगों को केवल और केवल लाठी मिली और कुछ नहीं मिला। कमेटी के नाम पे केवल ठगा उन्होंने, बिल्कुल झूठ बोला। हम लोग सब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है और हम लोगों का सम्मान किया अपने मैनिफेस्टो में रख करके कि जैसे हमारी सरकार आएगी हम आप लोगों की भर्ती पूर्ण करेंगे। सरकार हिंदुत्व का कार्ड लगातार खेलती है, आप 2011 बैच के बीएड बेरोजगार हैं, इनमें से कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन किसी किस समाज का है, ये बात बात की है, लेकिन क्या ये कार्ड चुनाव के समय में खेलना कितना कामयाब? देखिए, कार्ड खेलना और ये पढ़ा लिखा समाज है, इससे कार्ड नहीं खेल पाएंगे, समझ गए ना? ये अध्यापक वर्ग है और अध्यापकों में कहीं ना हिंदू है ना कहीं मुसलमान है ना कहीं कोई धर्म है। हम लोग शिक्षा देते हैं तो कहीं ये बंटवारा नहीं करते कि ये किस कास्ट का बच्चा है, किस धर्म का बच्चा है। हमारे लिए सभी धर्म बराबर हैं, तो अगर वो धर्म के नाम पे हमको ठगने का प्रयास कर रहे हैं तो स्वयं बेवकूफ है। क्या कह रहे थे आप? जात पात में केवल बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि कभी डॉक्टर के पास रेल ड्राइवर से कोई नहीं पूछता है कि आप हिंदू हैं मुसलमान हो, केवल ये लोग बांटते हैं। और डिप्टी सीएम
ये डॉक्टर दिनेश शर्मा जो शिक्षा पर से आते हैं, लगता था कि बहुत अच्छा विकास कर देंगे और शिक्षा के क्षेत्र में जो है अमूलचूल परिवर्तन कर देंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़े झूठे ही हैं, क्योंकि इन्होंने 28 जुलाई 2014 को इन्होंने कमेटी बनाई थी बीएड टेट 2011 की, उसके बाद में उसकी जो है आज तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। बार बार वहाँ पे गए, लेकिन ये जो है अपना जो है निकल गए, वहाँ पे प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात नहीं किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एकदम विनाश होना निश्चित है, की बात कोई रोक नहीं पाएगा अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने। अखिलेश यादव ने यहाँ जनसभा में भी आप के लोगों के मुद्दों को उठाया जी। तो यहाँ पे एक रुदौली विधानसभा, एक बीकापुर विधानसभा, खास करके जनसभा थी, तो आपका समर्थन इनके तरफ रहेगा क्या? हम लोगों का समर्थन 5 विधानसभाओं में है और 2011 के सब अभ्यर्थियों का समर्थन पूरे 400 विधानसभाओं में, 403 समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को मिल रहा। और खासतौर पर बीकापुर और रुदौली की बात कर रहा हूँ, मैं बीकापुर से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे तो ये सब लोग जो है निश्चित रूप से एक विधानसभा में 500 से 700 परिवार था, एक विधानसभा में कम से कम 5 से 10 हज़ार वोटर्स को हम लोग प्रभावित कर रहे हैं। और एक चाणक्य ने पूरा नंदवंश को नष्ट कर दिया था, यहाँ पर तो सैकड़ों चाणक्य हैं, सभी लोग यहाँ पर प्राइवेट टीचर हैं और सभी लोग जो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और पहली कैबिनेट में उन्होंने कम से कम सैकड़ों कार्यक्रम में हम लोगों का नाम लिया और कहा कि मैं पहली कैबिनेट में आप सबका काम करूँगा। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के रुदौली विधानसभा से विधायक रहे रामचंद्र यादव जी, आप बौद्धिक तबके से हैं, शिक्षक के रूप में जाने भी जाते हैं, तो उनका क्या मूल्यांकन आपकी नज़र में? उनका मूल्यांकन, आप यहाँ पे आए हैं, आप खुद बचे होंगे चोट खाने से, अगर पुल पे चढ़ के आए होंगे तब भी चोट खाने से बचे होंगे, अगर किसी और रास्ते से आए होंगे तब भी चोट खाने से बचे होंगे, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। गड्ढों में सड़कें तब्दील हो गई हैं, कोई विकास काम नहीं हुआ है और केवल जात पात पे पार्टी का काम इन्होंने किया। और हमारे जो संगठन के लोग हैं ये 75 जनपद में फैले हुए हैं और हमारे संगठन के अध्यक्ष सुनील कुमार यादव जी ने ठाना है और उनका जो है निर्देश है, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी बार बार कह चुके हैं, इसलिए हमारा संगठन पूरी तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है, दृढ़ संकल्पित है इनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए और हमारा संगठन भरोसा दिलाता है कि मुख्यमंत्री अगली बार अखिलेश यादव जी बनेंगे। आपका क्या नाम है? सत्येंद्र जी। क्या नाम बताए? सत्येंद्र। तो क्या मांग है आपकी? मांग कोई नहीं, हम लोग तो आज आभार व्यक्त करने आए थे, क्योंकि मांग तो हमारी पहले ही पूरी हो गई, उन्होंने हमारी मांगों को पहले ही अपने घोषणा पत्र में दे दिया, तो बचा कुछ नहीं है। अच्छा ये है कि जो है हमारी मांगों को जो है तब साकार होगा जब अखिलेश जी को हम लोग पूरे मन से उनकी गवर्नमेंट बना के रखेंगे, तभी हमारा सपना साकार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फर्क इंडिया के लिए।